हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। For many years, the dominant gender has been men, while women were the minority. For many years, for means से many years यानी कि बहुत से वर्षों से या बहुत से सालों से। The dominant gender, dominant यानी कि प्रमुख gender यानी कि लिंग, प्रमुख लिंग जो है has been men, वो पुरुष रहा है या आदमी रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। While जबकि Women were the minority. Women यानी कि औरतें, were means थी, the minority यानी कि अल्पसंख्यक या कम संख्या वाली, ऐसी भी आप बोल सकते हैं। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि बहुत से सालों से पुरुष जो है वो प्रमुख जेंडर यानी प्रमुख लिंग रहे हैं, जबकि औरतें जो है वो अल्पसंख्यक थीं। It was mostly ऐसा अधिकतर था, क्योंकि because क्योंकि मैन अर्नड, आदमी जो थे वो कमाते थे। अर्न मीन्स कमाना, कमाते थे। क्यों बोला? क्योंकि अर्नड सेकेंड फॉर्म यूज हुई है सिंपल हमारे सब्जेक्ट के साथ में। द मनी, जो अधिकतर जो लोग थे वो आदमी जो थे वो कमाते थे। एंड और वुमेन लुकड आफ्टर, और जो वुमेन थी, जो औरतें थी, लुकड आफ्टर। लुकड आफ्टर वो क्या होता है? हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है ध्यान रखना, किसी के पीछे से ध्यान रखना। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। तो वो ध्यान रखती थी द हाउस, घर का, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों का। अधिकतर ऐसा अधिकतर इसलिए होता था क्योंकि आदमी जो थे वो कमाते थे और औरतें उनके पीछे से घर का और बच्चों का ध्यान रखती थी। सिमिलरली, इसी प्रकार, दे डिड नॉट हैव एनी राइट एज वेल। इसी प्रकार दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था क्या? उनके पास क्या नहीं था? एनी राइट, उनके पास में कोई भी अधिकार नहीं था। एज वेल यानी कि साथ ही साथ उनके पास में कोई भी अधिकार नहीं था कि वो कुछ भी कर पाए, ऐसा उनके पास में कोई भी अधिकार नहीं था। राइट मीन्स सही भी होता है, बट राइट्स मीन्स अधिकार भी होता है। However, हालांकि, as time, however, हालांकि, as time, as मतलब जैसे time यानी के समय, as time जैसे ही समय बीता या समय पास जबी, जैसे ही समय पास जबी यानी के जैसे ही समय बीतता गया या बीता, things started changing slowly, things यानी के चीजों ने started शुरू किया, changing यानी के बदलते रहना, चेंज मीन्स बदलना, चेंजिंग यानी कि बदलते रहना, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, जैसे ही समय बीतता गया चीज़ों ने धीरे धीरे बदलना शुरू किया। नंदलेस दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट, नंदलेस फिर भी दे आर, वे हैं फार फ्रॉम परफेक्ट। फार मतलब दूर, फ्रॉम परफेक्ट वो पूर्ण होने से या पूरा होने से या बहुत उत्तम होने से दूर हैं। फिर भी वो उत्तम होने से या पूर्ण होने से दूर हैं। जेंडर इनइक्वालिटी रिमेन्स अ सीरियस इशू इन टूडेज टाइम। जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लिंग की असमानता जो है, यानी कि ये पुरुष है और ये महिला है, इसकी जो असमानता है रिमेन मतलब होता है बचना या फिर रहना, वो बची हुई है या वह रह रही है। अ सीरियस इशू, वो अभी भी एक सीरियस यानी कि एक कठिन या एक विशेष तौर पर ध्यान देने वाला, बहुत ही प्रमुख तरीके से ध्यान देने वाला इशू यानी कि मुद्दा वो अभी भी है, वो एक गंभीर मुद्दा अभी भी बना हुआ है या बचा हुआ है आज के समय में। टुडेज टाइम यानी कि आज के समय में आज भी ये एक प्रमुख मुद्दा या प्रमुख इशू बना हुआ है। दस इस प्रकार दिस जेंडर इनइक्वालिटी ऐसे विल हाईलाइट इट्स इम्पैक्ट एंड हाउ वी कैन फाइट अगेंस्ट इट। दस इस प्रकार दिस जेंडर इक्वालिटी ऐसे, ये जेंडर इक्वालिटी यानी कि ये लिंग असमानता वाला जो ऐसे है, जो निबंध है, विल हाईलाइट, वो हाईलाइट करेगा यानी कि वो प्रकाश डालेगा। हाईलाइट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर जोर डालना, प्रकाश डालना, उस चीज़ को उभार करके लोगों के सामने बताना। इट्स इम्पैक्ट, उसके प्रभाव जो हैं उनके ऊपर वो प्रकाश डालेगा। एंड और हाउ वी कैन फाइट अगेंस्ट इट, हाउ मतलब कैसे, वी कैन हम कर सकते हैं, फाइट मीन्स लड़ाई करना, कि हम उसके विरुद्ध, अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं, ये जो ऐसे है ये इसके ऊपर प्रकाश डालेगा। जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू द अनइक्वल एंड बायस ट्रीटमेंट।
जेंडर इनक्वालिटी रेफर्स, जेंडर इनक्वालिटी जो है वो रेफर्स करता है, यानी कि तात्पर्य देता है या वो उसके बारे में बताता है टू द अनइक्वालिटी। अनइक्वल यानी कि असमानता, एंड बायस्ड, बायस्ड का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कहीं गांव वाँव में जाओगे तो लड़के के साथ में अलग तरीके का व्यवहार होता है और लड़की के साथ में अलग तरीके का, बायस्ड करा जाता है वो ट्रीटमेंट यानी कि व्यवहार, उनके साथ में असमान और पक्षपात वाला ट्रीटमेंट यानी कि व्यवहार किया जाता है। सिंपली आप लोगों ने देखा ही होगा इस चीज़ को। ऑफ ऑफ इंडिविजुअल्स, जो भी व्यक्ति होते हैं या जो भी व्यक्ति व्यक्ति होते हैं उनके साथ में बायस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। ऑन मतलब पर या मैं, द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, उनके जो जेंडर होता है, उनका जो लिंग होता है, उसके आधार पे उनके साथ में पक्षपात और असमानता का व्यवहार, ट्रीटमेंट उनके साथ में किया जाता है। जैसे कि कोई लड़की है या लड़का है, या फिर वो किसी बहुत ऊंची जाति से है, कोई नीची जाति से, तो उनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है। दिस इनइक्वालिटी हैपन्स बिकॉज ऑफ सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रूल्स। दिस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी का यानी कि ये जो असमानता का भाव है, ये होता है क्योंकि कि किस चीज़ की, बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, सोशली यानी कि सामाजिक, कंस्ट्रक्टेड यानी कि निर्माण किया जाता है, जो निर्माण हुआ है जनरल रूल्स का, जेंडर रूल्स का यानी कि लिंग की जो भूमिका होती है उनका जो निर्माण किया जाता है, ये उसी के कारण हमारे समाज के अंदर होता है। इट हैपन्स, ऐसा होता है व्हेन, जब एन इंडिविजुअल, जब एक व्यक्ति या एक पुरुष बोल सकते हैं आप, यहाँ पे महिला बोल सकते हैं, इंडिविजुअल का मतलब किसी एक व्यक्ति, पर्सन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आदमी या एक औरत के बारे में। इंडिविजुअल यानी कि कोई भी, जब एक व्यक्ति ऑफ अ स्पेसिफिक जेंडर, जब वो किसी विशेष जेंडर का होता है, इज गिवन डिफरेंट, जब उसको अलग तरीके से दिया जाता है, और डिसएडवांटेजेस, जब उसको नुकसान देह व्यवहार उसके साथ में किया जाता है, इन कंपैरिजन टू अ पर्सन, उस व्यक्ति के, और टू अ पर्सन यानी कि उस व्यक्ति की तुलना में ऑफ द अदर जेंडर, जो दूसरे जेंडर का यानी कि दूसरे लिंग का जो व्यक्ति है उसकी तुलना में जब उसके साथ में अलग और नुकसानदेह व्यवहार किया जाता है इन द सेम सर्कमस्टेंसेज, यानी कि जब वो बिल्कुल सेम उसी परिस्थिति के अंदर होता है, सर्कमस्टेंसेज यानी कि सेम जब वो उसी परिस्थिति के अंदर होता है और जब उसके साथ में अलग और नुकसानदेह व्यवहार किया जाता है, ये तब होता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि कोई भी नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो दो तरीके के लोग वहाँ पर आते हैं, एक के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार होता है, एक के साथ में बहुत बुरा व्यवहार होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जेंडर इनइक्वालिटी को वहाँ पर देखा जाता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है बट मुझे लगा कि यस, इससे के टॉपिक्स भी आपके साथ में शेयर करनी चाहिए और ज़रूरी भी है हमें हर चीज़ को जानना। तो ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। इस टॉपिक के 2-3 पार्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जिससे कि हम इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ सकें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के 1st वर्ड जो है हमारा, जिसे सेंटेंस बनाना है, वो है डोमिनेंट यानी कि प्रमुख। 2nd है बायस्ड यानी कि पक्षपात करना। 3rd है स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। इन 3 वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं, 1st है हाईलाइट, 2nd है इनइक्वल, एंड 3rd है सर्कमस्टेंसेस। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।